हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को हमारा CGL का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और अब दो सवाल आपके मन में हैं कि एक तो हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारी पोस्ट के लिए क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा सारी पोस्ट का कट ऑफ अलग आता है, JSO का कट ऑफ अलग आता है और AO वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग आता है। तो तीन लिस्ट में आपका कट ऑफ आएगा, तो कट ऑफ क्या हो सकता है, और दूसरा एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, एग्ज़ाम आपकी कब से हो सकती है टीयर टू की। तो अपने पास में जो डेटा है उसके बेसिस में आपको बताने वाला हूँ, और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी, और उसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो। मतलब आप फर्दर आपको क्या करना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनाना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ है वो कितना जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको JSO के कट ऑफ के लिए बता देता हूँ। कई बच्चे मुझे एक्चुअली फ़ोन कर रहे हैं, जो कि अपने पास में कंप्लीट स्टडी मटेरियल है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसके लिए कई बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे नंबर इतने आ रहे हैं तो क्या मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं टीयर टू कब तक होगा। तो अभी इस समय रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। पहले JSO का जो कट ऑफ है ना, 2017 में वो 151 गया था, 151। ओके, 18 में गया था वो 165, और 19 में भी वो लगभग इतना ही गया था, 165। तो मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं, अगर आपके नंबर 155 तक आ रहे हैं, ठीक है, JSO वाली पोस्ट के लिए, केवल अभी JSO की बात कर रहे हैं, 155 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं अभी फिलहाल, अगर आप जो इवेल्यूशन कर पा रहे हो, या अभी जो आंसर कीज आएंगी लगभग 8 से 10 दिन में आ जाती है, एग्जाम खत्म होती है आपका आंसर कीज आपकी 8 दिन में या 10 दिन में SSC आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि 31 अगस्त तक या सितंबर के पहले वीक में आपकी आंसर कीज आ जाएंगी। तो आप ये देख लेना कि 155 तक भी अगर आप ला पा रहे हो ना, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा इस पोस्ट की तैयारी कर लेना। ठीक है, अपने पास में स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट कोर्स है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको यूनिट वाइज थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक यूनिट के आपको क्लास नोट्स PDF मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, हर एक यूनिट में आपको क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कि क्वेश्चंस की कमी नहीं होने वाली है, और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम में होता है 100 सवाल का क्वेश्चन पेपर, वो आपको मिल जाएगा। तो और कोशिश पूरी ये की है कि सिलेबस जो है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कवर कराया जाए कोर्स में, तो मैंने उसको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर करवाया, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो। जो एग्ज़ाम में आता है सालों साल से, उसी के बेसिस हम तैयारी करते हैं, और उसी के बेसिस पे कोर्स पूरा तैयार करवाया गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्ट gyanchala.co.in वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आप एनरोल करते हो तो 31 अगस्त तक एक कूपन कोड होगा सक्सेस, SUCCESS। ठीक है, ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो बच्चे सिंसियर हैं और जो चाहते हैं कि इसकी तैयारी करना, तो वो ज़रूर उसमें एनरोल कर लेना, बिकॉज आपको एक ही जगह पर पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। अलग अलग किताबें खरीदोगे तब भी वही बात पड़ती है, और फिर अल्टीमेटली हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, एक ही जगह पर कंसाइज स्टडी मटेरियल मिल जाता तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती पढ़ाई में। ठीक है, तो ये बात हो गई JSO के पोस्ट की कट ऑफ। मेरे अनुमान ये है कि 155 अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, 150 से 155 भी अगर आ रहे हैं, तो ज़रूर इसके लिए पढ़ना है, पोस्ट बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये कि इस बार इस पोस्ट में आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलने वाला है। कई बच्चे जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने इस पोस्ट में जब फॉर्म भर रहे थे SSC का इनिशियली, तो उन्होंने इसमें यस किया ही नहीं, मतलब कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और क्योंकि अब मैं इस पोस्ट के लिए काफ़ी अवेयरनेस फैला रहा हूँ, तो अगले साल ऐसा नहीं होने वाला, अगले साल बहुत सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म भरेंगे, तो जो बच्चे इस बार एलिजिबल है उनके लिए एक एडवांटेज जरूर होने वाला है कि कॉम्पिटिशन कम है और इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और 50,000 पर मंथ की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी पोस्ट है, मैंने काफ़ी सारी बातें इस पोस्ट के बारे में आपको बताई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर इसकी तैयारी करना। बात कोर्स की नहीं है, अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल है या आपने पढ़ रखा है, तो आप कहीं से भी तैयारी करो, बस कॉन्फिडेंट हो जाना कि इसमें आप कम से कम 120 से 150 तक स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं है तो अपना स्टडी मटेरियल तो वही वो कंप्लीट एब्सोल्यूट है, उसके बाद कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब आप बाकी की बात कर लेते हैं, जो बाकी अदर पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा टीयर वन का, आपके जो आंसर कीज है वो तो ये समझ लो आप 7-8 दिन में 10 दिन में आ जाती है, लेकिन आपका टीयर टू का डेट क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा। देखो, तो मैंने डेटा निकाला है पिछले 3 सालों का, 17-18-19 का जो डेटा है, जो आपका टीयर वन हुआ था 2017 में, वो 22 फरवरी 2018 को हुआ था, खत्म हो गया था, मतलब है ना, एक शिफ्ट होती है 8-10 दिन, तो यहाँ खत्म हुआ था, और वो 8 जुलाई 2018 को उसका टीयर टू स्टार्ट हुआ था, यानी कि आप देख सकते हो लगभग
4.5 महीने बाद टीयर टू हुआ था, मतलब कि आपका 24 अगस्त हो रहा है तो ये 4.5 महीने उस समय हुआ था, उस समय की बता रहा हूँ। और उस समय जो कट ऑफ गया था आपका वो 131 गया था टीयर वन का, ठीक है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13 जून को ख़त्म हुआ था टीयर वन 2019 को, और जो टीयर टू हुआ था वो 11 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 11, 12, 13 तीन दिन चला था। तो जून से लेकर सितंबर यहाँ पर केवल 3 ही महीने हैं, और अगर आप देखोगे तो लगभग 90 दिन हो रहे हैं, 89 to 90 days, ठीक है। तो 2018 में ये स्थिति थी और उसका टीयर वन का कट ऑफ गया था 137.07। इसके बाद में जब आपका 2019 वाला एग्ज़ाम है उसमें 9 मार्च को आपका 2020 में आपका टीयर वन ख़त्म हुआ था और 15 नवंबर से आपका टीयर टू हुआ था, मतलब कि ये बहुत बड़ा गैप है, लगभग 8 महीने का दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे 4.5 महीना, 3 महीना, 8 महीना, यहाँ पर कोई कोविड की वजह से कुछ डिले नहीं हुआ है, ये एसएससी की अपनी गलतियों की वजह से, एसएससी में जो इररेगुलरिटीज़ है उसकी वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे इस एग्ज़ाम की प्रोसीजर और एग्ज़ाम की से संबंधित बहुत जानकारी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इस समय एसएससी बहुत फॉर्म में है। अभी आप देखोगे धड़ाधड़ एसएससी के नोटिस आ रहे हैं, धड़ाधड़ एसएससी कैलेंडर निकाल रहा है और बहुत ही समझदारी से निकाल रहा है, पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर एक साथ नहीं दे रहा है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर पूरा कैलेंडर कब आएगा एक साल का, एसएससी दे ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश है कि वो उतना ही कैलेंडर दे जितना वो करवा पा रहा है, दैट मीन्स काफ़ी सिंसियर है। तो इसको आप बेस मान सकते हो, मेरा अनुमान ये है कि 90 डेज आपके लगेंगे, है ना, आपकी 24 अगस्त से आप 90 दिन गिन लो, ठीक है। तो ये 24 अगस्त यानी कि 24 नवंबर यानी कि नवंबर के लास्ट वीक है ना, तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम होगा टीयर टू का, है ना। उम्मीद ये करना, अगर कोई थर्ड वेव का जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हालांकि मुझे लगता नहीं है, कंट्री में कंडीशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, सेफ हो चुकी है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है, तो पॉसिबिलिटी कमी है कि थर्ड वेव आए। फिर भी अगर हम ये आइडियल सिचुएशन बात कर रहे हैं, जो कि इससे जल्दी एसएससी नहीं करवा सकता, कम से कम 90 दिन तो आपके पास में है ही, ठीक है। आपका जो टीयर वन का रिजल्ट होगा वो 1 महीने बाद आएगा आपका, ठीक है। आपके जो आंसर कीज आएंगे उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए 1 हफ्ता मिलता है, शायद 4 दिन मिलते हैं, तो वो आप डालोगे, फिर वो जाएगा और वापस से प्रोसेस होकर के आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वो समझ लो आप सितंबर के लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टीयर वन का, और उसके 1.5 या 2 महीने बाद आपका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अब जो आपका जो टीयर टू हो रहा है ना उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आपका टीयर थ्री भी होने लग गया। एसएससी पिछले 2 सालों से ये काम कर रहा है कि जो टीयर टू होता है उसी के साथ वो टीयर थ्री भी ले रहा है, जबकि ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चे है ना टीयर टू देते हैं, और आप जब टीयर थ्री ले रहे हो तो सारे बच्चों को बिठा ले रहे हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आप कॉपियाँ किसी की चेक कर रहे हो, किसी की नहीं कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी कम से कम 1 महीना मिलना चाहिए टीयर टू के बाद में टीयर थ्री में, और इतने सारे बच्चों को सबको एग्ज़ाम की तैयारी करवाना, इससे कहीं ना कहीं टीयर टू का जो एग्ज़ाम है ना वो इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज आपको टीयर थ्री की तैयारी भी अभी से करना पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि आपको पता है कि आपको टीयर टू देना है लेकिन साथ में टीयर थ्री भी देना है। तो हालांकि जो भी होगा वो नोटिस में आएगा, जब भी टीयर वन का रिजल्ट आता है ना उसमें पूरा आपका आ जाएगा कि टीयर थ्री और टीयर टू साथ में होगा या नहीं होगा, है ना। तो वैसे अभी तक जो चल रहा है उससे तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि टीयर टू और टीयर थ्री साथ में होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। तो आपसे ये कहूँगा कि यार अगर आपका जो कट ऑफ है, अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है। आप ये जानना चाहते हो कि कट ऑफ क्या होगा, आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, अगर आप एग्ज़ाम देखोगे ना तो 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें वेरिएशन आप देखोगे। शुरुआत के 2 दिनों में पेपर आपका लेवल मॉडरेट था, या कहीं कहीं कुछ चीज़ें ईजी भी थी, लेकिन आप 17 अगस्त के पेपर की बात करो या 18 अगस्त के पेपर की बात करोगे तो वहाँ पर इसी एक दिन में पेपर का रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा आया था, ठीक है। तो यार मैं कभी देखो इसलिए मैं कभी सर्वे एनालिसिस इसलिए नहीं करवाता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, एक तो एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है इससे, ये करवाने की कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता क्या, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ना, ये आपको पता नहीं है कि पेपर का कौन सा लेवल, किसी ने सोचा नहीं था कि रीजनिंग का एक दिन पेपर में लेवल ऐसा आ जाएगा जो कभी एसएससी पूछता ही नहीं है। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, फिर भी जो मैं देख रहा हूँ जैसा पेपर के लेवल गए हैं, ऑन एन एवरेज आपका मेरे हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए टीयर वन का 140 के आसपास, इसमें प्लस माइनस आप 5 कर लेना, ठीक है। यानी कि 135 से 145 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है टीयर वन का। तो अगर आप, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, तो अगर आपके नंबर 130 135 के आसपास आ रहे हैं, 130 भी आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि तैयारी आप शुरू कर देना टीयर टू की, क्योंकि होता क्या है जब रिजल्ट आता है ना
तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। रिजल्ट आया और फिर आप मान लो तैयारी करने बैठ रहे हो, तो इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ रिविजन एक बार में कर पाओ। अभी से आपको 3 महीने पूरे उपयोग करना पड़ेंगे अपने परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम के लिए, तब जाकर आपको इसका आउटकम मिलेगा रिजल्ट में एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ थी, कट ऑफ मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए 140 से प्लस माइनस 5, यानी कि 135 से 145 अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो आप अंदर हो लिस्ट में, और इस मतलब इसके आसपास अगर हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज टीयर वन के ना मार्क्स ऐड होते हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, टीयर टू में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब को जाकर के आप प्रॉपर कॉम्पिटिशन में आ पाओगे, ठीक है। और कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा इसके आसपास आ रहा है लेकिन हमको उम्मीद कम लग रही है CGL में। कई बच्चे कहते हैं कि CGL की तैयारी करें या ना करें, SSC बहुत डिले करता है एग्जाम्स। तो देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी डिस्करेज मत हुआ करो। एक चीज़ ध्यान रखना, लाइफ में इस दुनिया में जो भी चीज़ें लोग हासिल कर रहे हैं ना, कोई चीज़ अगर रेयर है तो उसको हासिल करने में ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, ये दुनिया का दस्तूर है। सस्ती चीज़ जो होती है ना बड़ी आसानी से मिल जाती है, सस्ती चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती ज़्यादा, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सस्ती चीज़ तो आपको मिल जाएगी। लेकिन आप CGL की तैयारी कर रहे हो, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार में, किसी मंत्रालय में, किसी डिपार्टमेंट में, और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, या सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, या कोई भी मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, या फिर जैसे MEA की जो पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इतनी बड़ी बड़े डिपार्टमेंट का आप हिस्सा बनने वाले हो, और एंड दैट टू ऑफिसर के लेवल पे, ऐसा भी नहीं कोई आप कोई नीचे के लेवल पे हो, तो आप ऐसा कुछ अचीव करने जा रहे हो, दैट मीन्स थोड़ा रेयर है ना, ये आप रेयर पोजिशन पे जा रहे हो, तो थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट ये तो रिक्वायर्ड है बॉस। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई लक्ष्य रखना बंद कर दो, आप बड़े सपने देखना बंद कर दो, ठीक है। तो समय तो लगता है ऑब्वियसली, यहाँ पर SSC की कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वहाँ से SSC काफ़ी सुधरा है। और ये जो प्रॉब्लम हुई है ना एक्चुअली, तो ये तो चलो ठीक है, COVID-19 आ गया था, उसकी वजह से डिले हुआ था, हालांकि जबकि ये जो यहाँ से SSC ने काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस सुधार लिया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार अगर सपना देख रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो, मेहनत भी किया करो, क्योंकि ज़िंदगी में जो सफलता होती है ना वो इन सब चीज़ों का समायोजन होती है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा क्वांट बहुत ही अच्छा है, मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, कि मैं बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। आप खुद देख चुके होगे, अगर आपने 1-1.5 साल अगर इस एग्ज़ाम में निकाल लिया तो आप ये समझ गए होगे कि कोई भी एक चीज़ गारंटी नहीं है सक्सेस के। यहाँ पर आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपको एक फाइनल आउटकम देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो जो बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाए ना इस CGL में, दुखी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ लिया है, मान लो कोई बच्चे 120 ही स्कोर कर पा रहे हैं, 110 ही स्कोर कर पा रहे हो, तो यार जानो निराश मत हो, क्योंकि कम से कम आपने इतना तो अचीव कर ही लिया है। अगर आपके पास में समय है, आने वाली एग्ज़ाम आप देना दे सकते हो, अगर तो आप इतना तो लेवल अपना उठा ही चुके हो, आपको तो बचे हुए मेहनत करनी है ना। अगर आपने 110 नंबर भी आ रहे हैं तो दैट मीन्स 55% तो आप अचीव कर ही चुके हो, तो आप अपने आप को कम मत समझो। कम से कम जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, जो आपने एग्ज़ाम में किया है उसके लिए आप ब्लेम किसी को कर नहीं सकते, आप खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपने अपने आप के ऊपर काम किया नहीं समय रहते हुए, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटे छोटे एक्ट्स के ऊपर आपने काम किया नहीं। मैं अपने कितने वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि कभी भी कोई बड़ा काम आपको करना है ना तो आप माइक्रो लेवल पर काम करो, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर काम करो, आप कभी नहीं करते हो। सेल्फ स्टडी को लेकर के जितने वीडियोज़ मैंने बनाए ना, आप पूरे इंडिया में देख लेना, स्पेशली SSC CGL एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बनाता है, कोई सबके अपने अपने दुकान है। लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी जो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते हो। आप कोई भी टीचर का गाइडेंस हो गया, किसी का कोर्स हो गया, ये आपका 10-15% काम करेगा मैक्सिमम, वो 85% तो आपका सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आएगा, और सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ता है, छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होती है, इसको आपको डेली बेसिस से फॉलो करना होता है, तब में जाकर के आपको आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद ये करूँगा कि समझोगे, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनके इतने नंबर आ रहे हैं ना, इसके आसपास कोई अगर है तो मैं ये कहूँगा कि तैयारी करते रहना, तैयारी छोड़ना मत, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट होगा फिर, क्योंकि आपका लिस्ट में नाम आ गया, अभी आप निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो, बैठ गए वो छोड़ के आप तैयारी नहीं कर रहे हो, और मान लो लिस्ट में नाम आ गया तो तब बहुत रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि तब टाइम मिलेगा नहीं फिर पढ़ने का, ठीक है। तो अभी समय है, अभी इसको भुना लो, और
जो भी होता है हर चीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते अपने एफर्ट्स को छोड़ करके। आप किसी भी चीज़ पे कंट्रोल अगर आपका नहीं है तो आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो रिजल्ट के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम केवल अपने ऊपर काम करने का है। तो एफर्ट लगाओ, और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है उनसे भी कहूँगा कि हिम्मत मत हारना। अगर आपने डिसीजन लिया है एग्ज़ाम को क्लियर करने का तो अभी नहीं तो अगली बार सही। अपनी मेहनत पर काम करो, अपने एफर्ट्स पर, अपने स्किल्स पर काम करो। कहाँ कम पढ़ रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो। क्योंकि आप जो हारे हो ना वो एग्ज़ाम की वजह से नहीं हार रहे हो, आप हार रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं किया कहाँ आपकी कमजोरी है, और उन कमजोरियों के ऊपर आपने देखा नहीं कि यार ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ये मेरे वीक एरियाज हैं, इसको मुझे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ये आप करने में फेल रहे हो। ये आपका फेलियर जो है ये आउटकम आएगा आपके जो रिजल्ट में नंबर कम आ रहे हैं उसका, ठीक है। नंबर जो आते हैं ना वो तो इंडिकेटर है ना, मैं आपको कई बार कहता हूँ। कई बच्चे ये करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं केवल नंबरों के लिए, ये चेक करने के लिए कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है। मॉक टेस्ट कभी भी नंबर चेक करने के लिए नहीं लगाया जाता है, मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, आपकी करंट पोजीशन क्या है। और आपकी करंट पोजीशन जब तक आपको नहीं पता चलेगी तब तक आप अपने आप के ऊपर काम ही नहीं कर पाओगे, और अपने आप के ऊपर काम नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं करोगे तो स्कोर आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, हर चीज़ लिंक्ड है। स्कोर बढ़ाना है तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इम्प्रूव करने के लिए अपनी कमज़ोरियों को आपको निकाल करके पेपर पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही बेसिक सी बात है लेकिन अलग अलग तरीके से कई बार मैं बता चुका हूँ, जिनको समझ में आता है वो अपने ऊपर काम करते हैं और रिजल्ट ला के दिखाते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें थी जिससे मैंने आपको बता दिया। एक तो एक्सपेक्टेड डेट आपके मन में क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया है कि लगभग 3 महीने कम से कम लगने वाले हैं, तो नवंबर के एंड में एग्ज़ाम होने के अनुमान है, और जो कट ऑफ है वो 135 से 145 के बीच में रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर कोई भी एक्सपेक्टेड ही बताएगा, आपको कोई गारंटी से बता नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता है। जो आप देखते हो कई लोग सर्वे करवाते हैं या जो आपसे डेटा लेकर एनालिसिस करते हैं, बहुत ही कम संख्या में वो नंबर आ रहा है। यहाँ पर लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों में भी एक डेटा नहीं होता है। स्पेशली वो बच्चे जो पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं वो डेटा देते ही नहीं अपना, बट स्टिल वो होता यही है अल्टीमेटली। कट ऑफ कभी इससे ज़्यादा ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, है ना। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, तो 135 से 145 के बीच में रहेगा कट ऑफ जनरल कैटेगरी का, और उसके हिसाब से बाकी कैटेगरीज का भी अनुमान लगा लेना। और तैयारी में कोई कमी मत रखना अपनी, जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा दो। अगर आपका टीयर वन मान लो 2021 की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप एफर्ट जरूर लगाना, टीयर टू में पूरी ताकत लगा करके एग्ज़ाम देना, ठीक है। एक आदत जो होती ना मेहनत करने की, आदत जो एफर्ट लगाने की, वो एबिलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये डाउट्स को मैंने क्लियर किया है, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना। और जो लोग JSO वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उनका नंबर 155 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इतना कट ऑफ जाता है तो आप तैयारी कर सकते हो। अपना कंप्लीट कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट चले जाओ, वहाँ से आप जाके एनरोल कर सकते हो। और कूपन कोड लगा देना सक्सेस, इसमें आपको अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन ये कूपन कोड जो है वो केवल 31 अगस्त तक ही वैलिड है, ठीक है। तो इस वीडियो में तक इतना ही था, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।